सावन के महीने में प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य दिखाई देता है। चारों ओर हरियाली होती है, अलग अलग तरह के फूल खिले होते हैं। शिव भक्त भी महादेव को मनाने के लिए उनका श्रृंगार अलग अलग तरह के फूलों से करते हैं। धर्म शास्त्रों में हर देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरह के फूल चढ़ाने का विधान बताया गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस फूल को चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं और किस फूल के चढ़ाने से क्या मनोकामना पूरी होती है। सावन का महीना देवादेव महादेव को मनाने का खास महीना होता है। सावन मास शिव को प्रिय मास है। इस महीने में महादेव प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। वे भक्तों की सभी मुरादें सिर्फ जलाभिषेक करने मात्र से पूरी कर देते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव को मनाने के लिए अलग अलग विधान बताए गए हैं। उनमें से एक है फूलों की सेवा। भगवान शिव को अलग अलग तरह के फूल अर्पित किए जाते हैं, जिससे व्यक्ति की अलग अलग मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं किस फूल को चढ़ाने से प्रसन्न होंगे महादेव और पूरी होगी मनोकामना। धतूरा और धतूरे का फूल महादेव को अत्यंत प्रिय है। शिवलिंग पर धतूरे का फूल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिव जी को बेला का फूल प्रिय है। बेला का फूल चढ़ाने से विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। सफेद रंग के पुष्प शिव जी को प्रिय हैं। सफेद रंग के फूल चढ़ाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। हार श्रृंगार यानी पारिजात का फूल शिव जी को प्रिय है। शिव जी को पारिजात का पुष्प अर्पित करने से सुख समृद्धि आती है। अपराजिता का फूल शिवलिंग पर अर्पित करें। धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। समी पत्र या समी के फूल शिवलिंग पर अर्पित करें। सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिव कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगस्त का फूल शिव जी को अर्पित करें। मान सम्मान और यश कीर्ति में वृद्धि होती है। सफेद या पीले कनेर का फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं। ग्रहों की बाधाएं दूर होती हैं। नौकरी व्यापार में सफलता मिलती है। चमेली का फूल शिवलिंग पर अर्पित करें। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सफेद कमल का फूल शिवलिंग पर अर्पित करें। घर में धन धान की कमी नहीं रहती। घर में स्त्री लक्ष्मी निवास करती है। धर्म शास्त्रों के मुताबिक इन फूलों को शिव जी को अर्पित करने से साधक की सभी मनोकामनाएं महादेव की कृपा से पूरी होती हैं। इसके साथ ही शास्त्रों में फूलों से बने शिवलिंग के पूजन का विधान भी बताया गया है। इसलिए आप अपनी मनोकामना के अनुसार इन फूलों से शिवलिंग बनाकर महादेव का पूजन करेंगे तो महादेव जल्द से जल्द प्रसन्न होंगे। आइए अब आपको बताते हैं शिव जी पर कौन से फूल भूल कर भी नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर केतकी का फूल न चढ़ाएं। महादेव को मदंती का फूल अर्पित न करें। केवड़े का फूल या इत्र न चढ़ाएं। जूही के फूल महादेव को अर्पित न करें। कैत का फूल शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। कदम के फूल शिव जी को प्रिय नहीं है। बहेड़ा के फूल चढ़ाने से महादेव नाराज होते हैं। बैजंती के फूल शिवलिंग पर न चढ़ाएं। शिरीष का फूल महादेव को अर्पित न करें और अनार का फूल भी शिवलिंग पर न चढ़ाएं। शास्त्रों के मुताबिक इन 10 तरह के पुष्प हमें शिव उपासना में प्रयोग नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में बताए गए पुष्प शिव जी को अर्पित करने से न सिर्फ साधक को महादेव की दिव्य कृपा मिलती है बल्कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आप भी चढ़ाइए शिव जी को पुष्प और प्रसन्न कर लीजिए इस सावन में महादेव को, साथ ही पूरी कर लीजिए अपनी मनोकामना। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन। स्तुति न्यूज नेशन। अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।